देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। ये तो मेरी गलती है, मैंने बीजेपी को वोट दिया। आज जबकि पूरे देश में मोटर चालान अधिनियम हवा बना हुआ है, हर कोई इसकी वीडियो डाल रहा है जहां पुलिस अत्याचार करती नजर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल कार्यक्रम नेताजी की डायरी में। आज हमारे विशेष संवाददाता ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने पर जनता की ओर से पुलिस वालों से और पुलिस वालों की ओर से जनता से बात की और ये जानने की कोशिश की कि इस बारे में इनकी क्या राय है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता दिल्ली के गाजीपुर थाना के पास मयूर विहार फेज 3 का जायजा लेते हुए वहां के लोगों से बातचीत की। देखिए क्या है इनका कहना। पता है कि नया कानून जो इम्प्लीमेंट लागू हुआ है, सरकार ने लागू करा, इससे नुकसान है फायदा है? नुकसान ही है। नुकसान कैसा है बताओ? अब बताओ, छोटा सा चलान भी एक छोटा सा चलान भी 1000 रुपए का होता है। नहीं, चलान से मतलब नहीं है, यहाँ सुरक्षा से मतलब। अगर हम अपने हेलमेट पहन के चलेंगे, देखिए आपने ये गाड़ी कितने की ली? 1,20,000 की। 1,20,000 की गाड़ी लेने के बाद आपको 1,000 रुपए का हेलमेट नहीं लेना चाहिए था? लेना चाहिए था। फिर आपने लिया कि नहीं लिया? चलो थोड़ा आपने हेलमेट लिया, लेकिन इनके लिए हेलमेट लेना चाहिए था। तो आप ये बताओ, इस कानून में आपको कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो आ रही है जी, है ना। तो चलो खैर, हम ये जानना यही जानना चाहते थे। देखिए, दूसरा दिल्ली के अंदर जो है ये एरिया जो है पास एरिया है, है ना। वो खड़ा है बाइक पे। तो कहने का अर्थ ये है, हम यही जानना चाहते हैं भाई, देखो ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए सरकार बना रही है, ठीक है जी। हमारे ये जी सर, ये जो पुलिस खड़ी है अपनी सुरक्षा के लिए, ये आपके लिए। हाँ जी। और हमारे देखिए, इधर आगे कानून कितना लागू काम कर रहा है, इधर देखिए जरा कानून कितना काम कर रहा है। यहाँ पे जो है बहुत लोग तैयार हैं और इस समय देखो एक 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 बैठाने के लिए तीन तीन। हाँ खान साहब, ये बताओ आप मोटरसाइकिल? नहीं, मम्मी को दवाई दिलाने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ मम्मी को दवाई दिलाने जा रहे हैं। अब कोई गाड़ी है ही नहीं बड़ी जो जाए, ठीक है जी। देखिए आपने मोटर बाइक कितने की ली? अब ये बगल में जाना है सर, मेरी बात सुनिए। ले ले, वो कोई इशू नहीं है, हम ये कह रहे हैं हमने मोटरसाइकिल कितने की ली? हमने ली कम से कम 50,000-60,000 रुपए। 50,000-60,000 रुपए, 500 रुपए का हेलमेट भी आपको लेना चाहिए सर। हेलमेट है बस, ये सुरक्षा के लिए, ये सुरक्षा के लिए है, ये आपकी सुरक्षा के लिए। आगे से आप हेलमेट लेके चलोगे क्या? चलेंगे चलेंगे। आपको इसका सुरक्षा का, ये देखिए ये पुलिस अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, हमारी सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए है। तो आपको इसके बारे में ये बताओ, तो आपको सोचना चाहिए कि नहीं कि भाई सुरक्षा हमारी है जी। लेकिन जो ये मोटे चालान हो रहे हैं, इसके लिए बताओ कुछ करना चाहोगे? इसके लिए क्या करना है? इधर कैमरे में बैठ, जल्दी बताओ बताओ। और क्या आप आगे से ऐसे करोगे? आज के बाद कहाँ करेंगे, वैसे तो यहीं पे रहते हैं, यहाँ से इतनी दूर जाने के लिए वो कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पूरा ट्रैफिक चल रहा है, ये चल रहा है, सब चीजें चल रही हैं। वो दुर्घटना कभी भी कहीं भी घट सकती है। पहुंचा है मयूर विहार फेज 3। आइए यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो वही जो व्हीकल एक्ट जो हमारे लिए बना है वो कितना कारगर हुआ है और यहाँ की जो जनता है इसके बारे में क्या कहेगी। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम उनसे जानेंगे कि भाई ये सही है कि गलत है, तो ये बताएंगे भाई साहब। क्या सुना है? क्या बात है? ये जो आपका जो आप सरकार ने जो चलान जो 500 का था 500 का कर दिया, जो 5,500 का था 5,000 कर दिया, तो इसके बारे में आप बताओ ये सही है गलत है? ये तो मेरी गलती है, मैंने बीजेपी को वोट दे दिया। अच्छा, वोट करना तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो मतलब तब तब वही नु किया, वही नु किया, वही नु किया, बीजेपी ने कर दिया ये काम। किया? अच्छा, तो मतलब ये ठीक नहीं है अभी, ये मैं नहीं बता। हाँ चलिए, और यहाँ लोग हैं बताएंगे। हाँ भाई, आपका आपका नाम क्या बताओ? मेरा नाम बबलू है। बबलू भाई, ये बताओ तो सरकार ने 100 का चलान 500 का, हाँ, और 500 चलान 5,000 का कर दिया है, इससे क्या फर्क पड़ा आम जनता के? देखो हम लोग के लिए तो ये है, हर आदमी अपने नियम से चलेगा, ठीक है। अगर आज गवर्नमेंट ने चलान महंगा किया है, अच्छा तुम अपने लाइन पे आ जाओगे, सही चलोगे, तो चलान ये कम भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए इनका कहना है कि अगर सरकार
अगर हम नियम को फॉलो करें तो उसमें चलान करने की नौबत ही नहीं आएगी। यानी हम हेलमेट लगा लें, हम सीट बेल्ट लगा लें, तो इन सब चीज़ों की नौबत नहीं आएगी। चलिए और कुछ लोग हैं और यहाँ पर देखते हैं यहाँ, और इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो स्कूटर वगैरह चला रहे हैं इन सब की तरफ भी एक नज़र मारें कि काफ़ी जो है दिखाई दे रहा है इम्प्लीमेंट लागू हुआ है कि भाई जो है इसमें लोगों को दिखाई दे रहा है कि भाई अब इक्का दुक्का तो नज़र आ जाता है जो हेलमेट नहीं लगा रखा होगा, बाकी ज़्यादातर लोगों ने हेलमेट का प्रयोग किया है। ठीक है, आइए यहाँ पे जो और हमारे जो विभाग जो जिन लोगों की जिम्मेदारी तय की गई है वो भी हैं, उनसे भी जान लेंगे कि भाई उन्हें कोई परेशानी तो नहीं आ रही इस कानून को लागू कराने में, या लोगों से जो चेक करते हैं चेकिंग में भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हमारे साथ हैं ऐसा ही महोदय, सर बताएंगे कुछ इस बारे में, जैसे आप यहाँ लोगों को रोकते हैं तो कोई समस्या हमको बताए, हम तो चलान करके प्रॉपर चलान करते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमें तो चलान करना है, इसे हमें समस्या तो फिर लोगों को हो रही होगी और लोग जो हैं इसमें कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।